आपका स्वागत है आज के प्रोडक्ट ट्रेनिंग में। मेरा नाम दीपा सप्रे है, मैं न्यूट्रिशनिस्ट और फिटनेस कोच हूँ और 3 साल से अधिक एक्सपीरियंस है मेरा प्रोडक्ट ट्रेनिंग में। सो आज का प्रोडक्ट ट्रेनिंग बहुत ही खास प्रोडक्ट्स पे हम आज कर रहे हैं। बदलते मौसम और हम देखते हैं कि जैसे क्लाइमेट चेंज होता है, जैसे गर्मी से ठंडी पड़ती है, ठंडी से गर्मी पड़ती है, बारिश होता है, तो जैसे क्लाइमेट चेंज होता है वो एक चीज है जो हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। वो कौन सी चीज है? यस, हमने सब कहा, हमने सब यही सोचा है कि सर्दी खांसी ये हमें सबसे ज्यादा परेशान करती है और हमारी कोशिश यही रहती है कि किस तरह हम हमारे रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाएं ताकि हमें ये छोटी छोटी जो चीजें हैं जो हमें बहुत ज्यादा तकलीफ देती है, जैसे सर्दी है, खांसी है, बुखार है, ये हमें ना हो और हम ज्यादा से ज्यादा हेल्दी रह पाए। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आरसीएम की तरफ से हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे। बट सबसे पहले क्या जरूरी है वो है कि आप एक अच्छा भोजन करें, एक बैलेंस डाइट ले जहां पे आप होल ग्रेन्स ले रहे हैं, प्रोटीन के लिए दाल्स और पल्सेस खा रहे हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ले रहे हैं, नट्स ले रहे हैं, तेल वाले बीज खा रहे हैं। तो इस तरह से जब आप बैलेंस डाइट लेते हैं हर रोज, तब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लगती है। बट जिस तरह एक व्हीकल को, एक कार है या बाइक है, जब आप इसे चलाना चाहते हैं तो आप सिर्फ पेट्रोल या डीजल नहीं इस्तेमाल करते हैं, आप कभी कभार बीच बीच में कुछ ऐसे एडिशनल ऑयल इस्तेमाल करते हैं जिससे आपकी गाड़ी अच्छी तरह से ऑयल्ड रहे और अच्छी तरह से चल सके। जी, तो आप कुछ एक्स्ट्रा देते हैं आपके व्हीकल के लिए, उसी तरह हमारे शरीर को भी कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है जी, जिससे आपके बैलेंस डाइट के साथ में आपको और मदद मिल सके, आपके शरीर को और मदद मिल सके वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो जैसे पहले कहा, आरसीएम में कुछ ऐसे खास खाद्य पदार्थ हैं जो आपके इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करेंगे। तो जब हम हमें सर्दी खांसी होती है तो वो सबसे पहली चीज जो हमें हमारे घर में बुजुर्ग लोग लेने के लिए कहते हैं वो है काढ़ा। अब काढ़े की जब बात करते हैं तो काढ़े में बहुत सारे अलग अलग जड़ी बूटियां और मसाले डलते हैं जी। तो कितने लोग जानते हैं कि वो कौन सी सही जड़ी बूटियां और मसाले डालने चाहिए, कितने डालने चाहिए, वो कहाँ पे मिलेंगे जी? तो ये बहुत सारे सवाल होते हैं और हम एक अच्छा काढ़ा बना नहीं पाते हैं। कोशिश तो हमारी पूरी रहती है बट हम नहीं बना पाते एक सबसे अच्छा काढ़ा। तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है जो हमें बहुत ही आसानी से हमारा एक अच्छा काढ़ा बनाने में मदद करता है और वो है आरसीएम का स्वेच्छा काढ़ा। तो स्वेच्छा काढ़ा बनाया गया है चुनिंदा जड़ी बूटियों व मसालों से, जिससे आपको एक इंस्टेंट प्राकृतिक इम्यूनिटी बूस्टर मिल जाता है। तो इनमें जो जड़ी बूटियां और मसाले डाले गए हैं उससे आपको कई फायदे मिलते हैं और सबसे बड़ा फायदा जो आपको यहाँ से मिलता है वो है कि ये आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि इसमें भरपूर एंटीऑक्सीडेंट गुण मौजूद है। तो जो अलग अलग जड़ी बूटियां और मसाले डाले गए हैं इनमें, उससे आपको ये एंटीऑक्सीडेंट गुण मिलते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट गुण आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे आपका, आपके शरीर का जो सर्दी खांसी होने का रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है। साथ में सर्दी और खांसी से राहत दिलाता है, बुखार से राहत दिलाता है, यस, शरीर के शुद्धिकरण में मदद करता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा जब इम्यूनिटी लो होता है उसका एक कारण ये है कि हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स है वो हमारे इम्यूनिटी को नीचे खींच लाता है। तो
शरीर के शुद्धिकरण से आपका इम्यूनिटी भी बढ़ने में आपको मदद मिलता है। तनाव निवारक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो तो वो भी आपके इम्यूनिटी को कम करता है, तो ये तनाव निवारक से में भी निवारक भी करता है। तो ये सारे हमने फायदे देखे जो आपके इम्यूनिटी के रिलेटेड है, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। बट यहाँ पे एक और भी महत्वपूर्ण फायदा ये है कि जो लोग फिटनेस में हैं, जो लोग एक अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज रेजिम फॉलो कर रहे हैं और फैट लॉस करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे एक महत्वपूर्ण फायदा ये है कि स्वेच्छा काढ़ा फैट कम करने में प्रभावी है। तो ये उन लोगों के लिए भी मददगार है जो फैट लॉस करना चाहते हैं। तो ये फायदे हमने देखे जो आपके इम्यूनिटी के लिए है, आपके सर्दी खांसी रोकने के लिए है, सर्दी खांसी बुखार से राहत दिलाने के लिए है और फैट कम करने के लिए। बट क्या इतने ही सिर्फ फायदे आपको मिल रहे हैं यहाँ पे? नहीं, और बहुत सारे आपको फायदे मिल रहे हैं। जैसे ये यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में मददगार है, तो जिनको यूरिक एसिड की तकलीफ होती है और उनके घुटनों और जॉइंट्स में यूरिक एसिड रह जाता है और उनको दर्द होता है, सूजन होता है, तो उनको भी ये मददगार है। ब्लड शुगर लेवल्स को नियंत्रित रखने में मदद करता है, तो ये बहुत ही फायदेमंद है प्रोडक्ट जिन जो डायबिटीज से पीड़ित है, तो ये वो लोग भी ले सकते हैं जो अपने ब्लड शुगर लेवल्स को नियंत्रित में रखना चाहते हैं। पुरुष हो या स्त्री हो, हम सब एक बहुत अच्छा स्किन चाहते हैं। हम हमारे फेस पे कभी पिंपल्स, मुहासे, दाग धब्बे नहीं चाहते हैं, तो स्वेच्छा काढ़ा आपका आपके स्किन को भी बेहतर करने में मदद करता है, मुहासे और दाग धब्बों को साफ करने में मदद करता है। मेनोपॉज के लक्षण से राहत दिलाता है, तो जिन जो महिलाएं मेनोपॉज में हैं और उनको इरिटेशन, हॉट फ्लशेस का तकलीफ होता है, उनको इन लक्षणों से राहत दिलाता है। घुटनों में दर्द है, सूजन है, जॉइंट्स में पेन है, तो ये इस तरह के दर्द और सूजन से भी राहत दिलाने में मदद करता है। और सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे एक और है, वो है कि ये आपके पाचन पाचन प्रक्रिया को सुधारने में मदद करता है। तो हमने देखा कि स्वेच्छा काढ़ा आपको सिर्फ आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि और बहुत सारे सेहत के लिए फायदा दे रहा है। अब स्वेच्छा काढ़ा की विशेषताएं क्या है, क्या इसमें खास क्या है? तो पहला कि ये एक इंस्टेंट काढ़ा है, आप ये तुरंत आपको जब चाहे, आप 12 महीने, आपको सुबह शाम रात जब आप को पीने का मन करे आप इसे पी सकते हैं। आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इसे अपने साथ लेके जा सकते हैं ताकि आपके इम्यूनिटी बने रहे, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जब हम ट्रैवल करते हैं और एक शहर से दूसरी शहर जाते हैं और हमारा इम्यूनिटी ठप हो जाता है, तो वहां पे भी हम इसे लेके जा सकते हैं ताकि हमारे हमारा इम्यूनिटी मजबूत रहे, हम जहां पर भी जाए वहां पर। प्राकृतिक मसाले एवं जड़ी बूटियों के गुणों से युक्त है, तो सबसे नेचुरल जो हर्ब्स है और जो मसाले हैं उन्हें इस्तेमाल किया गया है ताकि आपको उनके उनके अंदर के जो फाइटो न्यूट्रिएंट्स है उनका पूरा का पूरा आपको लाभ मिल सके। अधिकतम स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए इसे पूरी ही नेचुरल तरीके से सुखाया गया है ताकि आपको इनके अंदर के जो गुण है वो आपका पूरी की पूरी तरह मिल सके। उचित स्वच्छता और गुणवत्ता मानकों का पालन किया गया है, तो जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इंडस्ट्री में फॉलो किए जाते हैं उन्हें यहाँ पे फॉलो करके आपको एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट यहाँ पे लाया गया है, जिसमें किसी भी तरह का आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर या प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो आपको पूरी तरह यहाँ पे एक नेचुरल प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये खासियत है, विशेषताएं हैं स्वेच्छा काढ़ा का। अब इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे इसका उपयोग करना चाहिए? तो जैसे मैंने बताया कि जहां पे बार बार हम बीमार पड़ते हैं, हमें सर्दी खांसी से परेशानी होती है, हम ट्रैवल कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो
उस वक्त हमें ये हर बार हमारे पास में रखना है और जितना इसे इसका सेवन कर सके उसे उसे इसे सेवन करना चाहिए ताकि हमारा इम्यूनिटी हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ते रहे और हमें बार बार सर्दी खांसी से तकलीफ ना हो। तो इसे पीने के लिए आप 10 ग्राम का पाउडर काढ़ा पाउडर 100 ग्राम पानी में मिला मिला के इसे उबालते हैं, इसे गालते हैं और इसे गर्मा गर्म इसे इसका सेवन करते हैं सबसे ज्यादा फायदा पाने के लिए। तो बहुत ही आसान है, मिलाएं उबाले छाने और पी ले। सो सिंपल है, सही है। तो ये सबसे बेहतर प्रोडक्ट है, एक इंस्टेंट प्रोडक्ट है आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे, तो ये हमने पहला प्रोडक्ट देखा काढ़ा स्वेच्छा काढ़ा। तो ये 10 प्राकृतिक व चुनिंदा जड़ी बूटियों और मसालों के मिश्रण से बनाया गया है। जल्दी और आसानी से उपयोग में आप इसे ला सकते हैं ताकि आपका इम्यूनिटी जल्दी से जल्दी बढ़े। एक इंस्टेंट काढ़ा है ये, उबाले छाने और उपयोग में ले। तो जैसे बताया आप इसे इंस्टेंट, जैसे हम कहते हैं 2 मिनट नूडल, वैसे ये 2 मिनट्स काढ़ा आपका यहाँ पे बन जाता है। कभी भी और कहीं भी उपयोग में आप ला सकते हैं। प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, सर्दी खांसी और बुखार से आपको राहत दिलाता है और कोई भी प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल कलर्स, फ्लेवर्स, प्रिजर्वेटिव्स इसमें डाले नहीं गए हैं ताकि आपको पूरी सी पूरी तरह से ये एक नेचुरल प्रोडक्ट आपको मिल सके और बहुत ही वाजिद कीमत, पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में आपको ये बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और बेहतरीन प्रोडक्ट जो आपके सिर्फ इम्यूनिटी नहीं बल्कि पूरे सेहत के लिए हेल्प करता है, सेहत को बढ़ाने के लिए, वो है संजीवनी प्राश अवलेह। तो जब हम च्यवन प्राश की बात करते हैं, हमने शायद बचपन में खाया है या हम बच्चों को के पीछे लगते हैं कि च्यवन प्राश खाओ, च्यवन प्राश खाओ, इससे आप स्ट्रांग होंगे, इससे आपका सेहत अच्छा होगा। और हम बुजुर्गों को कहते हैं कि प्लीज ये खाओ ताकि आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिल सके, लेकिन संजीवनी प्राश अवलेह च्यवन प्राश का इतने सारे फायदे हैं कि बच्चों से बूढ़े तक हर एक को इसे इसका सेवन करना चाहिए। तो संजीवनी प्राश अवलेह में 40 से अधिक जीवन का सार मानी जाने वाली चुनिंदा सामग्री से बनाए गया है। तो इसमें से जो कुछ महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स है वो है आंवला, सफेद म्यूसली, गोकरू, शतावरी, इलायची, अश्वगंधा और आप देख सकते हैं कि ऐसे और बहुत सारे यहाँ पे हमने 40 से अधिक इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है। तो इनके क्या फायदे हैं आपको शरीर के लिए, हेल्थ के लिए क्या यहाँ पे बेनिफिट्स मिल रहे हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण फायदा आपको यहाँ पे ये मिलता है कि ये आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, मजबूत बनाने में मदद करता है ताकि आपको सर्दी खांसी जुकाम ये आपको बार बार ना हो। अगर सर्दी जुकाम खांसी आपको ऑलरेडी हो रखा है तो इससे आपको राहत दिलाने में मदद करता है। आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपके ब्रेन, आपके जो नर्व्स है इसे बेहतर बनाने में मदद करता है। तो जब हम एज की बात करते हैं, जब हम रोज के जीवन की बात करते हैं तो इतना स्ट्रेस होता है कि कई बार हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन और हमारे नर्व्स काम करना कम कर देते हैं। तो कई बार हमसे ऐसे होता है कि हम स्ट्रेस्ड है और हम कुछ काम करना चाहते हैं और हम कहते हैं अरे मैं तो भूल गया या मैं भूल गई मैं क्या करने वाली थी। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हम रोज के लाइफ में फेस करते हैं इससे इसे कम करने में मदद करता है क्योंकि ये आपके ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मजबूत बेहतर काम करने में मदद करता है। श्वसन संबंधित जो ब्रीदिंग रिलेटेड आपके रेस्पिरेशन रिलेटेड जो समस्याएं हैं उसे राहत दिलाने में मदद करता है। ये कुछ फायदे हम यहाँ पे देख रहे हैं और ऐसे बहुत सारे फायदे हैं। तो आपके डाइजेशन पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है और पाचन रिलेटेड जो संबंधित समस्याएं हैं जैसे अपचन है, जलन आदि में को कम करने में मदद करता है। महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस
का जो प्रॉब्लम होता है, और हम ऐसे बहुत सारे महिलाओं को जानते हैं जिनमें ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, क्योंकि आज के लाइफस्टाइल, आज के स्ट्रेस के वजह से ये महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो उनके लिए वो हार्मोनल इम्बैलेंस को सुधारने में संजीवनी प्राश अवलेह मददगार है। शरीर के शुद्धिकरण में मदद करता है। तो जैसे हमने पहले भी कहा कि हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स है, जो गंदगी है, वो हमारी इम्यूनिटी को वीक करता है। तो उसे बढ़ाने के लिए आपको आपके शरीर के शुद्धिकरण करना जरूरी है, और संजीवनी प्राश अवलेह आपको ये फायदा यहाँ पे देता है। विषाणुओं को नष्ट करने में मदद करता है। तो हमारे शरीर में जो इन्फेक्शन पैदा करने वाले जो बैक्टीरिया है, जो माइक्रोब्स है, उन्हें नष्ट करने में भी ये मदद करता है। सरदर्द से राहत दिलाने में मदद करता है। तो अगर हम ये सारे फायदे देखे जो हमने पहले देखे और जो हमने, तो आप देखते हैं कि ये आपके रोग प्रतिकारक क्षमता के साथ साथ ये आपके ओवरऑल हेल्थ, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, हर एक सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद करता है। तो ये ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है संजीवनी प्राश अवलेहा। तो इनमें जो खास हमने इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं वो है आंवला। आंवला ये सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है, क्योंकि आंवला विटामिन सी का सबसे रिच सोर्स है, और विटामिन सी ये आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ही स्ट्रांग बनाता है। स्पेशली सर्दी, खांसी और जुकाम से अगर हमें हमारे शरीर को बचाना है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, तो ये विटामिन सी जो हमें आंवले से मिलता है, ये हमें मदद करता है। और ये रिसर्च प्रोवन है, ये हमने कह रहे हैं, बट ये रिसर्च बार बार यही कह रहा है कि विटामिन सी आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को कम करने में मदद करता है। शरीर के शुद्धिकरण में मदद करता है। इसमें डायट्री फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में है। तो डायट्री फाइबर जब अच्छी मात्रा में होता है तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ये अच्छी तरह से चलने में मदद करता है, आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है, और ये एंटी ऑक्सीडेंट गुण से भरपूर है, जिसके वजह से आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में आपको मदद मिलती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट हम देखते हैं आंवला। अगला है सफेद मूसली। अगेन सबसे महत्वपूर्ण फायदा यहाँ पे ये है कि ये आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर रहा है। एंटी इंफ्लेमेटरी गुण है। तो एंटी इंफ्लेमेटरी जब हम कहते हैं तो इंफ्लेमेशन क्या है, तो जहां पे भी दर्द है, जहां पे भी सूजन है, उसे हम इंफ्लेमेशन कहते हैं। तो एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब ये इंफ्लेमेशन, सूजन और दर्द को कम करने में मदद करता है। तो ये सूजन और दर्द हम सबसे ज्यादा वहां देखते हैं जहां पे लोगों को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है, जैसे घुटनों में दर्द है, उंगलियां, जहां पे भी जॉइंट्स है वहां पे उन्हें ज्यादा से ज्यादा सूजन और दर्द महसूस होता है, और वो उनके मूवमेंट्स अफेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे सफेद मूसली आर्थराइटिस से जो पीड़ित लोग हैं उनमें दर्द और सूजन को, इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है। तनाव दूर करने में मदद करता है, क्योंकि जब हम स्ट्रेस कहते हैं, पहले भी कहा मैंने, स्ट्रेस ये आपके इम्यूनिटी को वो वीक करता है, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। तो जब हम तनाव को कम करेंगे तब हमारे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इन्फ्लेमेशन कम होगा, हमारा इम्यूनिटी बढ़ेगा। तो सफेद म्यूसली आपको यहाँ पे ये फायदा भी देता है। शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है, और जो स्तनपान करने वाली महिलाएं हैं उन्हें दूध सृजन करने में मददगार है। तो ये हमने दूसरा इंग्रेडिएंट देखा, सफेद म्यूसली संजीवनी प्राश अवलेह का। तीसरा है गोकरू। तो हमारे जो शरीर के अलग अलग प्रकृति है, वात, पित्त और कफ, इनके नियंत्रण में मदद करता है, क्योंकि कई बार जब ये प्रकृति हमारे हिल जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाता है, तब हम बहुत सारे हेल्थ इश्यूज फेस करते हैं। तो जब वो प्रकृति बैलेंस में आ जाते हैं, वात, पित्त और कफ, तब हमारी सेहत अच्छी रहती है। तो गोकरू हमें मदद करता है इन्हें बैलेंस रखने में।
दर्द को कम करने में मदद करता है, नाक कान से खून बहने से राहत दिलाने में मदद करता है, और किडनी की बीमारियों से राहत दिलाने में मदद करता है। तो ये सारे फायदे हमें मिल रहे हैं वोखरू से। अगला है शतावरी। शतावरी बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे इंग्रेडिएंट है जो सर्दी जुकाम और सूखी खांसी से राहत दिलाने में मदद करता है, पेट दर्द से राहत दिलाता है, और जिन्हें नींद नहीं आती है रात को, जिन्हें इनसोम्निया का प्रॉब्लम है, जो सोने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आती नहीं है नींद, ऐसे लोगों के लिए शतावरी का यहाँ पे फायदा है कि वो नींद न आने की परेशानी को दूर करने में मदद करता है। और एक फायदा जो महिलाओं के लिए है वो है कि स्तनपान करने वाली महिलाओं में दूध सृजन करने में मददगार है। तो ये रहा शतावरी। अगला जो महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है वो है अश्वगंधा। यह एक बहुत ही प्राचीन औषधीय जड़ी बूटी है जो बहुत टाइम से इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये इसका फायदा, महत्वपूर्ण फायदा ये है कि ये ब्लड शुगर लेवल्स को नियंत्रित रखने में मदद करता है। तो जो डायबिटीज से पीड़ित है उनके लिए एक मददगार फायदा है ये। तनाव को कम करने में मदद करता है, स्ट्रेस को कम करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण है। तो जैसे हमने पहले कहा कि जहां पे भी इंफ्लेमेशन है, दर्द है, सूजन है, ऐसे तकलीफ से हमें राहत दिलाने में मदद करता है। दिल को स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो आपका के हार्ट फ्रेंडली प्रोडक्ट है, हार्ट को अच्छा मजबूत करने में मदद करता है, एंटीऑक्सीडेंट का कार्य आ, 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 करता है। तो जो एंटीऑक्सीडेंट हम कहते हैं, तो जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो ऐसे अस्थिर कण होते हैं जो हमारे इम्यूनिटी को वीक करते हैं, उनको रोकने में मदद करता है। तो वो है एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। और स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। तो जैसे हमने कहा कि स्ट्रेस के वजह से, एज के वजह से जो हमें भूलने की बीमारी होती है, उसे उसे कम करता है, हमारे स्मरण शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है, और हमारे ब्रेन फंक्शनिंग को और स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये है अश्वगंधा। तो ये सारे हमने इंग्रेडिएंट्स, महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स देखे जो संजीवनी प्राश अवलेह में आपको मिलते हैं। तो अगर हम इस सब का, इन ये प्रोडक्ट का, संजीवनी प्राश अवलेह प्रोडक्ट का अगर हम खासियत देखते हैं, तो 40 से अधिक प्राकृतिक और चुनिंदा सामग्री से बनाया गया है। इसमें आंवला, सफेद मूसली, शतावरी, गोकरू, अश्वगंधा, शहद आदि, ऐसे बहुत सारे हमने महत्वपूर्ण हर्ब्स का इस्तेमाल किया है। सब वर्गों, जैसे हम कहते हैं बच्चों से लेके बूढ़ों तक, हर एक के लिए यहाँ पे फायदा मिलता है, क्योंकि ये आपके ओवरऑल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हेल्प कर रहा है। प्रतिरोधक, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, सर्दी खांसी व बुखार में मददगार है, और पाचन तंत्र को स्वास्थ्य रखने में मदद करता है। सो जो हमारे बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है जिससे हम हर रोज पीड़ित रहते हैं, जैसे रोग प्रति हमारी इम्यूनिटी, सर्दी खांसी जुकाम और डाइजेस्टिव इश्यूज, इन सब से आप में संजीवनी प्राश अवलेह हमें हमारी सेहत को अच्छा करने में मदद करता है। अब आगे जाते हैं और हमारे अगले इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट और हेल्थ बूस्टिंग प्रोडक्ट की ओर चलते हैं। वो है त्रिकारा पंच तुलसी ड्रॉप्स। अब तुलसी जब हम कहते हैं इन्हें, इससे इसके बारे में हमने बहुत सुना है, स्पेशली जब सर्दी खांसी की बात करते हैं, तो हमें कहा जाता है कि कुछ मत करो, कुछ तुलसी के पत्ते लो और उन्हें हर रोज चबा के खाओ, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपकी सर्दी खांसी कम होने में आपको मदद मिलती है। तो तुलसी जब हम कहते हैं, तुलसी के बहुत सारे फायदे आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो त्रिकारा पंच तुलसी ड्रॉप्स के फायदे क्या क्या है? तो ये सर्दी और खांसी से राहत दिलाता है, जो हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं। इनमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल गुण है। तो जो बैक्टीरिया और
दूसरे माइक्रोब्स हमारे शरीर के को सर्दी जुकाम और बुखार से हमें परेशान करती है, ऐसे बैक्टीरिया और माइक्रोब से हमारे शरीर को बचाए रखता है। ये एंटी इंफ्लेमेटरी इसमें गुण है। तो जैसे हमने पहले कहा, दर्द सूजन के जो हमें प्रॉब्लम्स होते हैं, इंफ्लेमेटरी इश्यूज जो होते हैं, उससे हमें राहत दिलाता है। तो ये सारे जो हमें फायदे मिल रहे हैं, तनाव निवारक है, तो ये सारे हमें फायदे मिल रहे हैं एक छोटे से प्रोडक्ट में। दिख तो रहा है बहुत छोटा सा प्रोडक्ट, बट छोटा प्रोडक्ट बड़े फायदे, इस तरह का ये प्रोडक्ट है, त्रिकारा पंच तुलसी ड्रॉप्स। तो इनमें इसमें क्या है, क्या इसमें सिर्फ एक तुलसी का इस्तेमाल किया गया है, या हमने शायद अब तक यही सोचा है कि सिर्फ एक ही प्रकार का तुलसी अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे नाम कहता है पंच तुलसी, तो इसमें पांच अलग अलग प्रकार के तुलसी का इस्तेमाल किया गया है। तो श्याम तुलसी, राम तुलसी, विष्णु तुलसी, नींबू तुलसी और वन तुलसी, ऐसे पांच अलग अलग प्रकार के तुलसी के वैरायटी का इस्तेमाल किया गया है, तब जाके आपको एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा है, त्रिकारा पंच तुलसी ड्रॉप्स। तो त्रिकारा पंच तुलसी ड्रॉप की विशेषताएं क्या है, कि जैसे हमने पहले देखा पांच तरह की तुलसी का ऑयल इसमें हमने इस्तेमाल किया है। शुद्ध तुलसी का अर्क है, तो जितना नेचुरल हो सके उतना नेचुरल हमने यहाँ पे प्रोडक्ट का, रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, ताकि आपको एक पूरी तरह से एक नेचुरल प्रोडक्ट मिल सके। संपूर्ण तुलसी के पौधे का अर्क इस्तेमाल किया गया है। तो हम सिर्फ यहाँ पे पत्तों का की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि पत्ते, बीज, स्टेम, रूट, तो हर एक भाग तुलसी के पूरे पौधे को इस्तेमाल किया है यहाँ पे, क्योंकि हर एक पौधे के भाग में अलग अलग प्रकार के फाइटो न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग प्रकार के फायदे मिलते हैं। तो वो सारे यहाँ पे एक साथ हमने लाकर ये प्रोडक्ट बनाया है, त्रिकारा पंच तुलसी ड्रॉप्स। ग्लास बोतल पैकिंग है, तो अगेन जब हम प्लास्टिक की बात करते हैं तो वो नेचुरल नहीं है, और ग्लास हम मानते हैं नेचुरल है, तो हमने पूरी तरह से इसे नेचुरल रखा है। प्रोडक्ट भी नेचुरल है और पैकेजिंग भी पूरी तरह से नेचुरल रखा गया है, और किसी भी तरह का आर्टिफिशियल यहाँ पे कलर या फ्लेवर का इस्तेमाल नहीं किया है। तो इस तरह से आपको मिलता है त्रिकारा पंच तुलसी ड्रॉप्स, जो पूरी तरह से एक नेचुरल प्रोडक्ट है। तो जैसे हमने कहा, हमें पूरा का पूरा फायदा मिलने के लिए जो हमने पांच अलग अलग प्रकार के यहाँ पे तुलसी इस्तेमाल किए गए हैं, उसके उस पौधे का पूरा पूरा पौधा इस्तेमाल किया गया है, लीफ, सीड्स, स्टेम, रूट्स, तो हर एक भाग का इस्तेमाल किया है, ताकि आपको पूरा का पूरा फायदा मिल सके। तो इससे कैसे इस्तेमाल करना है, बहुत ही आसान है। अगेन, ये आपके पॉकेट में रह सकता है, आपके बैग में रह सकता है, आपके पर्स में रह सकता है। तो जब भी आपको आपको इसका इस्तेमाल करना है, बस आपको एक ग्लास गर्म पानी में 2 से 3 बूंद त्रिकारा पंच तुलसी ड्रॉप को मिलाकर इसे पी लेना है, और आपको इसके फायदे मिल जाते हैं। तो सबसे ये अगेन, ये एक बहुत ही आसान इस्तेमाल करने वाला प्रोडक्ट है, आसान कैरी करने वाला प्रोडक्ट है। 12 महीने आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक जगह से, एक शहर से दूसरी शहर जा रहे हैं, आपको इसे, आप इसे आसानी से कैरी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट है जो यहाँ पे आपके पास है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि ये सिर्फ इंटरनली नहीं, बल्कि आप इसे अरोमा थेरेपी के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसे 2 से 3 ड्रॉप आपके तकिए पे डाल के आप एक शांत अच्छी नींद ले सकते हैं। आप स्नान के लिए जाते हैं तो आपके गर्म पानी में इसके 2-3 ड्रॉप डाल के आप इससे स्नान कर सकते हैं। तो इसका इंटरनली प्लस एक्सटर्नली आपको इसका फायदा मिलता है। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा त्रिकारा पंच तुलसी ड्रॉप्स के बारे में, तो इसे पांच प्रकार की तुलसी के अर्क से बनाया गया है।
इसको बनाने के लिए तुलसी के पूरे पौधे का इस्तेमाल किया है, लीफ, सीड, स्टेम एवं रूट्स का। तो आपको पूरा का पूरा यहाँ पे फायदा मिलता है पूरे पौधे का। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, तनाव कम कर रहा है। इसे बहुत ही आसान तरीके से आप इसका सेवन कर सकते हैं, पानी में मिला सकते हैं, आप ग्रीन टी में इसे मिलाकर इसे पी सकते हैं। और जैसे हमने कहा, इसे सोते समय तकिए या आप स्नान करते वक्त पानी में इसके कुछ बूंद डाल के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लास के बॉटल में पैकेजिंग है, तो किसी भी तरह का यहाँ पे हमने आर्टिफिशियल चीज का इस्तेमाल नहीं किया है। पूरा का पूरा प्रोडक्ट से लेके पैकेजिंग तक पूरा का पूरा नेचुरल प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलता है। तो अब तक हमने कौन कौन से प्रोडक्ट देखे? तो हमने देखा पहला प्रोडक्ट जो है संजीवनी प्राश अवलेह, हमने देखा तुलसी त्रिकारा, तुलसी पंच तुलसी ड्रॉप्स, और हमने देखा सबसे पहले वो है इम्यूनिटी, इंस्टेंट इम्यूनिटी बूस्टर के लिए स्वेच्छा काढ़ा। तो ये सारे हमने तीन प्रोडक्ट देखे हैं और हम और दो प्रोडक्ट देखने वाले हैं। तो हमारा अगला प्रोडक्ट भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है, वो है गिलोय तुलसी रस। तो गिलोय तुलसी रस, अगेन ये एक प्रोडक्ट है जो हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए मदद करता है। और इसमें दो महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है, वो है गिलोय ऑल और तुलसी। सो त्रिकारा गिलोय तुलसी रस की क्या खासियत है? तो त्रिकारा गिलोय तुलसी रस को नीम गिलोय एवं तुलसी के अर्क के मिश्रण से बनाया गया है। तो आपको यहाँ पे दो महत्वपूर्ण चीजें मिलती है, गिलोय जो नीम के पौधे पे उगता है और दूसरा तुलसी। तो तुलसी के हमने ऑलरेडी बहुत सारे फायदे देखे, तो यहाँ पे हमें तुलसी के वो सारे फायदे भी मिलते हैं। और गिलोय जो नीम के पौधे पे उगा हुआ है उसके हमें और बहुत सारे फायदे मिल रहे हैं। तो गिलोय जो नीम के पौधे पे उगता है, ये माना जाता है कि वो गिलोय का पौधा नीम के भी जो बेनिफिशियल इफेक्ट्स है, जो बेनिफिट्स है, उसे भी अपने अंदर ले लेता है। तो गिलोय के साथ में आपको नीम के भी बहुत सारे फायदे यहाँ पे मिलते हैं। जैसे ये रक्त शुद्धि शुद्धिकरण में मदद करता है, शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले कणों कणों को रोकता है, जो विषारी पदार्थ होते हैं उनसे आपके शरीर को बचाता है, कीड़ों के काटने और अल्सर का इलाज करने में नीम मदद करता है। तो नीम के ये सारे गुण गिलोय और तुलसी के गुण के साथ में मिलकर आपको ये बेहतरीन प्रोडक्ट मिलता है, त्रिकारा गिलोय तुलसी रस। तो इनके इसके क्या फायदे हैं त्रिकारा गिलोय तुलसी रस के? तो ये सबसे पहले जो हम आज के सिचुएशन में चाहते हैं वो है कि हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। तो आपको यहाँ पे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद मिलती है। प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है, तो आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने में यहाँ पे ये मदद करता है। रक्त के शुद्धिकरण में मदद करता है। तो जैसे हमने हमारे पहले तीन प्रोडक्ट्स के बारे में कहा कि ये बॉडी शरीर में से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। हर प्रकार के बुखार में मददगार है। रक्त शर्करा जो ब्लड शुगर लेवल्स है उन्हें नियंत्रित रखने में मदद करता है। तो ये डायबिटीज से पीड़ित लोगों को डायबिटीज और ब्लड शुगर लेवल्स को नियंत्रित में रखने में मदद करता है। फ्री रेडिकल्स को नष्ट करने में मदद करता है। तो जो हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं स्ट्रेस के वजह से, एनवायरमेंटल स्ट्रेस के वजह से, हमारे जंक फूड के वजह से, तो उन्हें कम करने में, नष्ट करने में ये मदद करता है। तनाव को कम करने में मदद करता है। पाचन क्रिया डाइजेशन को इम्प्रूव करने में मदद कर रहा है। इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो जहां पे भी दर्द है, सूजन है, ऐसे हेल्थ इश्यूज में ये मदद करता है। त्वचा की रक्षा करने में मदद करता है। तो ये एक स्किन के लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। और श्वसन संबंधित जो प्रॉब्लम्स है, जैसे खांसी, जुकाम, टॉन्सिल्स, ऐसे
चीजों से भी हमारे शरीर को ये आराम दिलाने में मदद करता है। तो त्रिकारा गिलोय तुलसी रस की क्या विशेषताएं हैं? तो ये शुद्ध नीम गिलोय तुलसी रस है, तो ये पूरी तरह से हम जैसे कहते हैं कि नेचुरल प्रोडक्ट हम यहाँ पे बना रहे हैं विद द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स, सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है और मैच्योर पौधे का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जितना मैच्योर पौधा रहेगा उतना उसमें ज्यादा से ज्यादा गुण होते हैं, फायदेमंद गुण होते हैं। तो इस तरह का पौधा गिलोय और तुलसी का हमने इस्तेमाल किया है। प्रोडक्शन में जो स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा गया है ताकि आपको एक बहुत ही सेफ प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है। कृत्रिम कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर्स रंग इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया गया है, अगेन ताकि आपको एक पूरा का पूरा नेचुरल प्रोडक्ट मिल सके। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन के स्टैंडर्ड्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं इंडस्ट्री में, स्पेशली जब हम दवाइयों की बात करते हैं, तो यहाँ पे त्रिकारा गिलोय तुलसी रस को भी उसी तरह बनाया गया है, वही स्टैंडर्ड्स, वही बेस्ट स्टैंडर्ड्स, स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है जहाँ पे दवाइयां बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पे हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो HACCP, ISO एवं WHO और GMP द्वारा प्रमाणित उत्पाद यहाँ पे आपको मिल रहा है। उत्पाद के लिए नेशनल ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स का उपयोग किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इंग्रेडिएंट से लेके प्रोसेसिंग तक हर एक जगह पे हम वो क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं ताकि आपको एक बेहतरीन फाइनल प्रोडक्ट मिल सके। तो ये है त्रिकारा गिलोय तुलसी रस। और आप इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो बार बार बीमार होने से बचाने के लिए और आपके इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए यहाँ पे आपको एक इंस्टेंट ड्रिंक मिल जाता है। तो 20 से 30 ml त्रिकारा गिलोय तुलसी रस आप 30 से 100 ml पानी में मिलाकर खाली पेट दिन में 2 बार इसका सेवन करेंगे तो आपको इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। तो सुबह में और शाम को 2 बार आप इससे एम्प्टी स्टमक आप इसका सेवन करें। तो हमने त्रिकारा गिलोय तुलसी रस का के बारे में जो सुना, तो वो हम यहाँ पे फिर से एक बार इसका रिविजन करते हैं। नीम पर बढ़ने वाली गिलोय का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपको नीम, गिलोय और तुलसी, ये तीन तीन जो इम्पोर्टेंट हर्ब्स है, पौधे हैं, इसका आपको पूरा का पूरा फायदा मिल सके। और सबसे बड़ा फायदा जो आपको यहाँ पे मिल रहा है वो है आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट का ये काम करता है, रक्त के शुद्धिकरण में मदद करता है और बहुत ही आसान है आपको ये सब फायदा मिलना, क्योंकि इसे आप बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पानी में मिलाकर खाली पेट दिन में 2 बार आपको इसका सेवन करना है। तो अब तक हमने जितने भी ये 4 प्रोडक्ट देखे हैं, हर एक में हमने देखा है कि इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है और हर एक प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट से लेके प्रोसेसिंग से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक आपको एक बहुत ही नेचुरल और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलता है। तो हमारा आखिरी प्रोडक्ट जो हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे है वो हम यहाँ पे देखते हैं, वो है स्वेच्छा एलोवेरा जूस। तो एलोवेरा जब हम कहते हैं तो हम में से बहुत सारे लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है। हमारे घर में हम ये पौधा उगाते हैं ताकि हम इसे जब चाहे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट कितने लोग इसका सही सही इस्तेमाल करते हैं? क्या हमने कभी इसका घर में है पौधा तो क्या हमने इसका कभी जूस पिया है? तो बहुत कम लोग इसे बहुत हमारे हर रोज के जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके फायदे हम बहुत पहले से जान रहे हैं, लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं
और आज के सिचुएशन में जहाँ पे हम एक अच्छी हेल्थ पाना चाहते हैं, हम एक बेहतरीन इम्यूनिटी पाना चाहते हैं, तो इसका इस्तेमाल और बढ़ते जा रहा है और ये और लोकप्रिय होते जा रहा है। तो एलोवेरा से स्वास्थ्य संबंधित कौन कौन से फायदे हैं? तो जब हम शरीर के शुद्धिकरण की बात करते हैं तो यस, ये एक महत्वपूर्ण फायदा आपको यहाँ पे मिलता है एलोवेरा से, कि ये शरीर के शुद्धिकरण में मदद करता है, आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स है उससे शरीर में से बाहर निकालने में मदद करता है। और शुद्धिकरण के संबंधित जो आपके शरीर में इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो है लीवर, तो ये लीवर के स्वास्थ्य रखने में मदद करता है, लिवर के हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करता है, क्योंकि शरीर में लिवर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है, तो उसके हेल्थ को ये अच्छा रखता है, शरीर के शुद्धिकरण में मदद करता है। इसमें ऐसे महत्वपूर्ण विटामिन और फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके ये इम्यून बूस्टिंग प्रॉपर्टी, डाइजेशन इंप्रूव हो सके, आपके पाचन प्रक्रिया अच्छी हो सके, तो ये फायदे आपको यहाँ पे मिलते हैं। अल्ट्रावायलेट रेस से आपके स्किन को बचाए रखता है। तो जब हम स्किन की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि हम जब धूप में जाते हैं तो हमारी त्वचा को अल्ट्रावायलेट रेस का बहुत नुकसान होता है, झुर्रियां पड़ना ये अल्ट्रावायलेट रेस का कारण है। तो एलोवेरा आपके स्किन को झुर्रियां पड़ने से बचाता है, क्योंकि ये आपके स्किन को अल्ट्रावायलेट रेस से बचाए रखता है। शरीर के पीएच के संतुलन को संतुलित करने में मदद करता है, तो हमारे शरीर का एक नेचुरल पीएच है, लेकिन स्ट्रेस स्ट्रेस के वजह से, हमारे खाने पीने के गलत तरीकों के वजह से हमारा जो शरीर का पीएच है वो हिल जाता है, और बहुत सारे ऐसे तकलीफ होती है, जैसे हमारी इन्फ्लेमेशन, ये कई बार होती है क्योंकि शरीर का पीएच में इम्बैलेंस हो गया है। तो एलोवेरा ये आपके शरीर के पीएच को बैलेंस करने में मदद करता है। जैसे मैंने पहले स्लाइड में कहा, त्वचा की झुर्रियों को रोकने में मदद करता है, तो आपको एक एवर ब्यूटीफुल एवर यंग स्किन देने में मदद करता है। पेट में जलन व पाचन से राहत दिलाने में मदद करता है, क्योंकि ये आपके पेट के डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बेहतर फंक्शनिंग में मदद कर रहा है। एलोवेरा में पानी भरपूर है, तो ये आपके शरीर में भी वाटर बैलेंस मेंटेन करने में मदद करता है, और क्योंकि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बेहतर काम करने में मदद करता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट और फैट के पाचन में मदद करता है। और जैसे हमने पहले कहा, पेट में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, मित्र जीवाणु हैं, जिन्हें हम मित्र जीवाणु कहते हैं, गुड बैक्टीरिया कहते हैं, उन्हें उनकी वृद्धि, उन्हें ग्रो करने में एलोवेरा मदद करता है। तो ये सारे फायदे हम देख रहे हैं, इम्यूनिटी से लेके डाइजेशन से लेके, ये हर एक जगह हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करने में हमें मदद करता है। तो स्वेच्छा एलोवेरा जूस की खूबियां क्या है? तो थार, राजस्थान के थार रेगिस्तान में जो जिस प्रकार का, जो वैरायटी का एलोवेरा ग्रो होता है, जिसका नाम है बारबाडेंस, तो इस तरह का जो वैरायटी का एलोवेरा है, इसका पल्प का उपयोग किया गया है, क्योंकि ये सही एलोवेरा है जिससे आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। जीएमपी और आईएसओ का जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, इसका इस्तेमाल किया गया है प्रोडक्शन के लिए। किसी भी तरह का आर्टिफिशियल फ्लेवर, कलर या गमिंग एजेंट का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया गया है, ताकि आपको पूरी की पूरी तरह से एक नेचुरल प्रोडक्ट, एक बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट यहाँ पे मिल सके, और उत्पाद के लिए नेशनल ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स का उपयोग किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि बेस्ट क्वालिटी एलोवेरा इस्तेमाल किया गया है, बेस्ट वैरायटी एलोवेरा इस्तेमाल किया गया है, बेस्ट प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं, और आपको एक मिलता है एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का यहाँ पे प्रोडक्ट, वो है स्वेच्छा एलोवेरा जूस। तो हमने ये पांच यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट्स देखे हैं।
इसका उपयोग हम कैसे करेंगे एलोवेरा जूस का, तो जहां पे भी हम हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं, हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं, वहां पे आप इसका सेवन करेंगे। 30 ml स्वेच्छा एलोवेरा जूस आप 30 से 100 ml पानी में मिलाकर खाली पेट दिन में 2 बार इसका सेवन करते हैं, उसी तरह जैसे आप गिलोय तुलसी रस का इस्तेमाल करते हैं। तो आसान है इस्तेमाल करना और इसका सेवन करना। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे, थार रेगिस्तान की बेस्ट वैरायटी एलोवेरा जो है एलो बारबाडेंस, इस प्रकार का एलोवेरा का हमने पल्प का इस्तेमाल किया है प्रोडक्ट बनाने के लिए। पाचन प्रक्रिया को स्वस्थ बनाने में मदद करता है, ब्लड शुगर लेवल्स को नियंत्रित रखने में मदद करता है, तो ये डायबिटिक पीड़ित जो है उनको ये बहुत ही मददगार है। पेट में मित्र विषाणुओं को की वृद्धि में मदद करता है, तो आपके डाइजेशन और आपके इम्यूनिटी दोनों में ये फायदेमंद रहता है। त्वचा की रक्षा करता है और आपकी त्वचा के सेहत के लिए अच्छा है, और बहुत ही आसान है इसे इस्तेमाल करना। पानी में मिलाकर खाली पेट दिन में 2 बार आप इसका सेवन करते हैं, प्रेफरेबली अर्ली इन द मॉर्निंग जब आप उठते हो और शाम को एक और बार। सो इस तरह से 2 बार आप इसका सेवन करते हैं। तो ये 5 हमने आज महत्वपूर्ण प्रोडक्ट्स देखे जो आपके इम्यूनिटी को सिर्फ नहीं बल्कि आपके पूरे हेल्थ को, इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हर एक सिस्टम, बॉडी के सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे, बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपके लिए यहाँ पे आरसीएम के तरफ से लाए गए हैं। तो ये आई होप आपको आज का प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन पसंद आया है और आप इसका पूरा का पूरा फायदा उठाएंगे आपके खुद की सेहत को अच्छा करने के लिए। यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके आप इसके बारे में और लोगों से बात करेंगे, आपके टीम के साथ में, आपके कस्टमर्स के साथ में इस इन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे, और आप ज्यादा से ज्यादा आपके बिजनेस को तेजी से ग्रो करेंगे ये प्रोडक्ट के का प्रोडक्ट ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके। ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स आपके लिए अवेलेबल है आरसीएम के ऑफिशियल वेबसाइट पे और यूट्यूब पर। इस तरह के और प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स आई एम श्योर आप देखना पसंद करेंगे, और हम इस तरह के प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स और आपके लिए आगे जाके और आपके लिए लाएंगे। मैं इसे जैसे मैंने स्टार्ट किया था उसी तरह मैं इसे एंड करती हूँ एक जोरदार जय आरसीएम के साथ में। थैंक यू।